राधे राधे दोस्तों, आज बनाएंगे लौकी की कोफ्ते। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम अलग तरीके के। तो इस कोफ्ते में खास बात यही है कि हमने कोफ्ते को बिना फ्राई किए बनाएंगे, फिर भी इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेगी एकदम रुई के जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर 500 ग्राम लौकी लिए हैं। इसे लौकी को अच्छे से हमने धो लिए हैं, अब इसे पील कर लेंगे। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कद्दूकसर लिए हैं, जो मोटे वाले हिस्सा है उधर से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो सारे ही लौकी को हम यहाँ पर ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कद्दूकस करके इसका सारा पानी हमने निचोड़ के निकालें। देखिए यहाँ पर इतना पानी निकला है। अब पानी को फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी में यूज करेंगे। अब कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 प्याज बारीक कटा हुआ डाल लेंगे, 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर किचन किंग। मसाले में हमें इतना ही यूज करना है। अब थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे जैसे बना रहे हैं, अगर उसे आप सिर्फ बनाएंगे तो आपका कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आप इस तरह से कभी बना लेंगे तो मेरी गारंटी है, आप बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मिक्स कर दिए, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर बेसन और ऐड करेंगे और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक भी डाल लेते हैं। नमक थोड़ा बाद में ही डालेंगे। अब डाल के हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब चलिए कोफ्ते की शेप देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जाली वाले प्लेट ले लिए हैं, उसको थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लिए और इस तरह से टिकिया बना लेंगे। सारी जाली पे इस टिकिया बना के रख लेंगे। सारे टिकिया देखिए हमारे प्लेट में एडजस्ट हो गई है। यहाँ पर देखिए हम पहले से ही स्टीमर रख दिए थे, पानी यहाँ पर गर्म हो गई है। अब इसके ऊपर से इस प्लेट को रख देंगे और इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं मसाले की। तो यहाँ पे एक मिक्सी जार में देखिए 1 टमाटर रफली कट करके डाल। अब यहाँ पे देखिए 10 से 12 काजू ले लेंगे और 2 हरी मिर्च तोड़ के डाल लेते हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेंगे। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप घर के जो मलाई होता है उसे भी यूज कर सकते हैं ग्रेवी में। तो यहाँ पे डाल के इसे पीस लेंगे। इधर देखेंगे हमारा जो स्टीम है, कोफ्ते अच्छे से स्टीम हो गया है। देखिए इसे स्टीम होते होते करीब करीब 10 से 12 मिनट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्लेट को जो छोड़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है। कोफ्ते हमारी ठंडा हो रही है, तब तक ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में यहाँ पर 1 चम्मच तेल, कुछ खड़े मसाले ले लेंगे और जीरा ले लेंगे और यहीं पे 2 पिंच के करीब हींग लेंगे। हींग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। सभी मसाले को चटकने के बाद से यहाँ पे 1 प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसे थोड़ा सा कलर आने तक इसे भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्याज में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया था। तो जो हमने टमाटर काजू वाले मसाले पीसे थे उसे डाल देते हैं इसी स्टेज पर। उसके बाद से कुछ बेसिक मसाले, तो यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर वही किचन किंग और 1 चम्मच यहाँ पर काली मिर्च डाल देंगे। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और सभी मसाले को अच्छे से करते हैं भुनाई। तो चलिए मसाले को करीब 4 से 5 मिनट भूनेंगे, मसाले जो है अच्छे से भून जाएगा। तब देखेंगे यहाँ पर मसाले जो है बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से आप मसाले भूनेंगे उतना ही बढ़िया सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। तो देखिए मसाले को हम करीब 6 मिनट तक भूनेंगे। अब यहाँ पे ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी ऐड करते हैं। तो वही जो हमने लौकी का पानी निकाले थे उसे डाल देते हैं और 1 कटोरी और पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी पानी का यूज किए हैं। अब डाल लेते हैं यहाँ पे भुना हुआ कसूरी मेथी, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़िया आएगा। आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ग्रेवी में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए इसे ढक के और 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 2 मिनट बाद देखेंगे ग्रेवी में बहुत ही अच्छी से उबाल आ रही है। यहाँ पे कोफ्ते भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अब एक एक करके सारे ही कोफ्ते ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसे हल्के हाथों से चला देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम करके इसे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद देखेंगे बहुत ही हमारा मज़ेदार सब्ज़ी जो है बन के तैयार है। यहाँ पर हमारी एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है। अब चलिए गैस को करते हैं बंद और यहाँ पे हमने अपने ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से कोफ्ते बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस तरह से कभी कोफ्ते बना लिए तो मैं गारंटी लेती हूँ आप फ्राई वाले कोफ्ते बनाना छोड़ देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।